मेरा नाम है मीना और मैं श्री विनायका हाई स्कूल बेलकना में हिंदी शिक्षिका बनकर काम कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को दसवीं कक्षा से संबंधित एक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। यह एक पूर्व क्वेश्चन है, तो चलिए छात्रों पूर्व क्वेश्चन पाठ का नाम जो है वो है सत्य की महिमा। यह एक संकलित है, संकलित का अर्थ है संग्रह करने वाला। तो सत्य की महिमा, सत्य की जो महिमा है वो बहुत ही अपार है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो इस पाठ में आने वाले नए शब्द या व्याकरणांश के बारे में लिखेंगे। प्रतिलिपि, इसका अर्थ है नकल या कॉपी। संसार, विश्व या जगत है। वृक्ष, पेड़ या तरु। क्षणिक, शीघ्र विद्युत होने वाला। और चिंगारी जो है वो आम की कट को चिंगारी कहा जाता है। तो चलिए छात्रों आज हम लोग सत्य की महिमा इस पाठ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो पहले मैं इस पाठ को पढ़ती हूँ, बाद में इसके बारे में उदाहरण देते जाती हूँ। सत्य बहुत बोला वाला, बहुत ही सीधा साधा, जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा बिना नमक मिर्च लगाए वो दिया, यही तो सत्य है। कितना सरल, सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है। सत्यवादिता के लिए साफ सुथरा मन चाहिए। ये झूठ साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं और कहीं पोल खुली तो मुंह काला करना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, किसी को परेशान करने दुखी करने के उद्देश्य से सत्य बोलना नहीं चाहिए। कानों को काना कहकर करना या लंगड़े को उस जैसी नकल कर दिखाना सच बोलना नहीं होता, यह तो सिर्फ छेड़ना हुआ। इस बात को शास्त्र में यो समझाया गया है, सत्यम ब्रूयत प्रियम ब्रूयत नाम प्रिय सत्यम प्रियम, अर्थात सच बोलो, जो दूसरों को प्रिय लगे अप्रिय सत्य मत बोलो। संसार में जितने महान व्यक्ति हुए सबने सत्य का सहारा लिया है, सत्य का पालन किया है। राजा हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा विश्वविख्यात है, उन्हें सत्य के मार्ग पर चलते अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी सूरज की रोशनी से कम प्रकाशमान नहीं है। राजा दशरथ ने सत्य वचन निभाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। महात्मा गांधी ने सत्य की शक्ति से ही विदेशी शासक को झकझोर दिया। उनका कथन है सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं। उनका अंत नहीं होता, सत्य बोलने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। कभी कभी झूठ बोल देने से कुछ क्षणिक लाभ अवश्य होता है, पर उससे अधिक हानि ही होती है। क्षणिक लाभ विकास के मार्ग के लिए बाधा बन जाता है, व्यक्तित्व कुंठित होता है, झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास उठ जाता है, उनकी उन्नति के द्वार बंद हो जाते हैं। सत्य की महिमा अपार है, सत्य महान और परम शक्तिशाली है। संस्कृत की सूक्ति है सत्यमेव जयते नानुतम, अर्थात सत्य की ही विजय होती है असत्य की नहीं। जॉन मेंसफील्ड की धारणा है कि सत्य की नाव से ही हम बहुसागर का संतरण कर सकते हैं। सत्य वह चिंगारी है जिससे असत्य पल भर में भस्म हो जाता है। अतः हमें हर स्थिति में सत्य बोलने और पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। तो चलिए छात्रों अब मैं इस पाठ का विवरण देते जाती हूँ, आप लोग सुनते जाइए। सत्य बहुत भोला वाला, बहुत ही सीधा साधा, जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा बिना नमक मिर्च लगाए वो दिया, यही तो सत्य। तो यहाँ पर सत्य के बारे में कहते हैं कि सत्य बहुत
खुलापन है, बहुत ही सरल है, बहुत ही मुक्त है और बहुत ही सीधा साधा है। सरलता सत्य की सरलता में बहुत मुक्त है, साथ में सीधा साधा है। जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही तो सच है। तो हम लोग आंखों से क्या देखते हैं वही बोल देते हैं। तो हमारे जो मन में जो आता है आंखों से देखा हुआ, ऐसे ही हम लोग शीघ्र बोल देते हैं, वही तो सत्य है छात्रों। तो नमक मिर्च लगाए बिना ही हम आंखों से क्या देखते हैं उसे बोलते हैं यही सत्य है। कितना सरल, सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है। तो चलिए सत्य के बारे में देखते हैं। तो कितना बहुत ही सरल, सत्य तो बहुत सरल है और सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है। तो हम लोग देखते हैं तो हमारे दृष्टि का प्रतिबिंब कहलाता है सत्य, और ज्ञान की प्रतिलिपि है। प्रतिलिपि का अर्थ है नकल या कॉपी। हमारे जो ज्ञान है उस ज्ञान का जो प्रतिबिंब है, नकल है, वो सत्य है। आत्मा की वाणी, जो आत्मा से जो बात बोली जाती है उसे वाणी कहा जाता है। तो सत्य जिसके मन में होता है और वो अपने अपने आप वो सत्य निकल आता है। और वहाँ पर कोई नमक मिर्च लगाए बगैर जो जो कुछ भी आंखों से देखता है वो ऐसे ही बोल देता है। इसके साथ साथ सत्य बहुत सरल और दृष्टि का प्रतिबिंब है और ज्ञान की प्रतिलिपि आत्मा की वाणी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यवादिता के लिए साफ सुथरा मन चाहिए, ये झूठ साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। तो सत्यवान जो व्यक्ति है सत्य बोलना चाहता है उसे साफ सुथरा मन चाहिए। जो भी व्यक्ति सत्य बोलने की कोशिश करता है उसका मन भी साफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि साफ मन में ही वो सत्य बोल सकता है। बगैर साफ मन का वो सत्य नहीं बोल सकता, उसके मन में असत्य ही आता है। इसलिए सत्यवादिता के लिए साफ सुथरा मन चाहिए। तो सत्य बोलने वाला जो व्यक्ति है उसे उसका मन भी साफ सुथरा ही होना चाहिए। ये झूठ साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। इतना ही एक व्यक्ति जो अपना एक झूठ साबित करने के लिए वो बार बार झूठ बोलता है और हजारों झूठ वो बोलते ही चला जाता है और कहीं कोल भी तो वो काला करना पड़ता है। और इसके साथ साथ झूठ बोलते वक्त पकड़ा गया तो उसका मुंह काला होता है, अपमानित होना पड़ता है, सबके सामने वो अपमानित होता है और किसी को परेशान करने, दुखी करने के उद्देश्य से सत्य बोलना नहीं चाहिए। छात्रों हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे सत्य से दूसरों को दुख ना पहुंचे और हमारा जो सत्य है और अच्छे उद्देश्य से हमें सत्य बोलना चाहिए। किसी को परेशान करना या दुखी करना इस उद्देश्य से हमें सत्य नहीं बोलनी है। काने को काना कहकर पुकारना या लकड़े को उस जैसी नकल कर दिखाना सच बोलना नहीं होता। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो एक व्यक्ति जो काना रहता है उसे कान सुनाई नहीं देता, मालूम होते हुए भी उसे बार बार काना कहकर पुकारना और यहाँ अच्छी बात नहीं है, ये तो छेड़ना हो जाता है। और इसके साथ साथ जो एक लंगड़ा व्यक्ति है उस लंगड़े को उस जैसी नकल करके दिखाना, लंगड़ा चलते जा रहा है किस तरह से चलता है उसी प्रकार और एक व्यक्ति नकल करके दिखाता है, हंसता है, ये तो बहुत ही खराब है छात्रों। क्योंकि उसके जैसी नकल करके दिखाना और उसके मन में वो बहुत ठोस पहुँचता है और वो बहुत ही दुखी होता है। जैसी नकल कर दिखाना सच बोलना नहीं होता, ये तो सच बोलना नहीं है और यह तो सिर्फ छेड़ना हुआ, केवल छेड़ना
बोला जाता है तो सत्य बोलना नहीं, दूसरों को अप्रिय लगे ऐसी सत्य बोलने से क्या फायदा। इसलिए सत्य तो सत्य होता है, अप्रिय लोगों को अप्रिय लगे इस तरह का सत्य नहीं बोलनी चाहिए। इस बात को शास्त्र में यूं समझाया है। तो शास्त्र में, हमारे पुराने शास्त्र में भी कुछ समझाया गया है। इस प्रकार समझाते हैं कि संस्कृत की एक वाणी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम अर्थात्। इसका अर्थ इस प्रकार है, सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। तो हमारी जो सत्य है वो दूसरों को प्रिय लगनी चाहिए, हमारे सत्य से दूसरों को प्रिय लगे, लेकिन दूसरों को अप्रिय लगे इस तरह की सत्य ना बोलनी है, ना बोलनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, संसार में जितने महान व्यक्ति हुए सबने सत्य का सहारा लिया लिया है, सत्य का पालन किया है। राजा हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा विश्व विख्यात है। उन्हें सत्य के पालन पर चलते अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी सूरज की रोशनी से कम प्रकाशमान नहीं है। तो संसार जो संसार का अर्थ है, यहाँ पर देख सकते हैं शब्द विश्व या जगत। तो संसार में जितने महान व्यक्ति हुए सबने सत्य का सहारा लिया। जो विश्व में जितने भी महान व्यक्तियां जो है वो पूरे सबने सत्य का सहारा लिया है, सब लोगों ने सत्य के मार्ग पर चला है और सत्य का पालन किया है। तो सत्य सत्य के सत्य का नाम लेते ही हम सबको याद आता है वो है राजा हरिश्चंद्र, क्योंकि यह एक बहुत ही महान व्यक्ति सत्यवादी था। इसलिए राजा हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा विश्व विख्यात है। तो आप लोगों को जानता है, जानते हो, आप लोग जानते हो कि राजा हरिश्चंद्र जी की सत्य निष्ठा विश्व विख्यात है, सारे विश्व में प्रसिद्ध है। उन्हें सत्य के मार्ग पर चलते अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, राजा हरिश्चंद्र सत्य के मार्ग पर चलते रहते थे, उस समय उन्हें बहुत सारे कष्ट उठाए, अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी सूरज की रोशनी से कम प्रकाशमान नहीं है। लेकिन उनकी जो कीर्ति है आज भी चमक रही है, सूरज की जो प्रकाश है इसी की तरह राजा हरिश्चंद्र की, उनकी सत्य निष्ठा के बारे में सारे विश्व में उनकी कीर्ति फैल रही है, उनकी रोशनी फैला रही है। और राजा दशरथ ने सत्य वचन निभाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हरिश्चंद्र के बाद जो सत्य के पालन करने वाला व्यक्ति होता राजा दशरथ, उन्होंने भी अपने सत्य वचन निभाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। महात्मा गांधी ने सत्य की शक्ति से ही विदेशी शासन को झकझोर दिया, और इसके साथ साथ महात्मा गांधी जी जो सत्य शक्ति से, उनका जो शक्ति था वो था सत्य शक्ति। इस सत्य शक्ति से ही इन्होंने विदेशी शासन को झकझोर दिया। तो विदेशी अंग्रेजों ने जो शासन बनाया था उसे इन्होंने तोड़ डाला और झकझोर करते हैं और उनका कथन है। तो यहाँ पर हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में, उनका कथन के बारे में जानेंगे। तो इनकी कथन है, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाए जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि सत्य एक विशाल वृक्ष है। तो क्या छात्रों, सत्य जो है वो एक वृक्ष है, वो भी विशाल है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं। सत्य को जो व्यक्ति आदर की भावना से देखता है उतने ही उसमें फल हमें मिलते हैं, उनका अंत नहीं होता। और सत्य का अंत जो है वो निरंतर है, अंत नहीं होता।
सत्य बोलने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए और आप लोगों को सत्य बोलना, सत्य की मार्ग पर चलनी, इस रीति की जो आदतें हैं वो हमें बचपन से ही डालनी चाहिए, क्योंकि बड़े होने पर हम लोग सत्य के मार्ग पर चलना हमें मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बचपन से ही हम इस मार्ग में चलना है। कभी कभी झूठ बोल देने से कुछ क्षणिक लाभ अवश्य होता है, पर उससे अधिक हानि ही होती है। तो एक एक बार झूठ बोलता है व्यक्ति तो क्या होता है, उस समय क्षणिक लाभ मिलता है झूठ बोलने से, लेकिन क्षणिक लाभ अवश्य उठा सकते हैं पर उससे अधिक हानि ही होती है। तो हम लोग देखेंगे छात्रों उससे क्या होता है, हम लोगों को अधिक हानि ही पहुंचती है। क्षणिक लाभ विकास के मार्ग के लिए बाधा बन जाता है। और क्षणिक लाभ जो है, क्षणिक का मतलब है यहाँ पर देख सकते हैं शीघ्र वृद्धि होने वाला, जो शीघ्र जो भी आता है वो बोल देते हैं, तो यहाँ पर कभी कभी झूठ बोलते हैं और झूठ की राह पर चलते हैं। झूठ के राह पर चलने पर क्षणिक लाभ अवश्य होता है, उस समय हमें लाभ तो होता है लेकिन अधिक हानि ही हमें पहुंचती है। क्षणिक लाभ विकास के मार्ग के लिए बाधा बन जाता है। तो उस समय जो हमें लाभ होता है वो हमारे विकास के मार्ग में रुकावट हो जाता है, बाधा या रुकावट होते हैं, रुकावट बन जाती है, दीवार हो जाती है, क्योंकि क्षणिक जो सत्य है वो बहुत ही हानि पहुंचाती है। इसलिए क्षणिक लाभ के लिए हमें झूठ बोलने से हम लोग बाद में बहुत ही कष्ट उठानी पड़ती है। व्यक्तित्व कुंठित होता है झूठ बोलने वालों से, लोगों का विश्वास टूट जाता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसका व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है, क्योंकि उस पर कोई भरोसा नहीं करता और उसका नाम खराब हो जाता है, और साथ में झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास उठ जाता है। जो भी व्यक्ति झूठ बोलता है उसके झूठ को सुनते सुनते लोग उस पर विश्वास करना छोड़ देते हैं और विश्वास उठ जाता है उस पर से, उनकी उन्नति के द्वार बंद हो जाते हैं। साथ में जो व्यक्ति का उन्नति का जो द्वार था वो बंद हो जाता है। इसलिए छात्रों हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए और हमें सत्य के मार्ग पर चलना है, सत्य ही बोलना है। क्षणिक लाभ तो झूठ बोलने से मिलता है, लेकिन बाद का जो हमारा जीवन है वो बहुत ही कष्ट से गुजारा होता है, क्योंकि व्यक्ति जो झूठ बोलने वालों पर भरोसा नहीं करते और इसके साथ साथ झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास टूट जाता है और उसकी उन्नति के जो भी द्वार है, उन्नति के जो भी मार्ग है वो पूरे बंद हो जाते हैं। सत्य की महिमा अपार है, सत्य महान और परम शक्तिशाली है। संस्कृत की सूक्ति है सत्यमेव जयते नानंतम, अर्थात सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य की महिमा अपार है, तो सत्य की महिमा देखते हैं तो बहुत ही अपार है और सत्य महान और परम शक्तिशाली है। जो भी व्यक्ति सत्य के राह पर चलता है वो आगे बहुत नाम कमा सकता है और जीवन में कुछ साधना कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग महात्मा गांधी जी को देखते हैं, सत्य हरिश्चंद्र को और राजा दशरथ को, इन्होंने सत्य के मार्ग पर चला था और नाम कमाया। आज भी लोग इनके बारे में बातचीत करते हैं और सबके लिए यह आदर्श व्यक्ति हो गए हैं। और इसके साथ साथ सत्य महान और परम शक्तिशाली है, जो सत्य है वो बहुत ही महान है, साथ में परम शक्तिशाली है। संस्कृत की सूक्ति है, तो संस्कृत में एक वाणी है, एक सूक्ति है, तो इस प्रकार है कि सत्यमेव जयते नानुतम, अर्थात सत्य की ही विजय होती है,
आगे की सत्य की नाव से भी हम भव सागर का संतरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक जॉन मेंसफील्ड इनकी जो धारणा इस प्रकार है कि इन्होंने कहते हैं कि सत्य की नाव से ही हम भव सागर का संतरण करते हैं। हमें सत्य की नाव पर चलने पर हम कुछ भी साधना कर सकते हैं। सत्य वह चिंगारी है जिससे असत्य पल पल में भस्म हो जाता है। तो सत्य जो है वो एक चिंगारी है, चिंगारी का मतलब आग का एक कण है जिससे असत्य पल पल में भस्म होता है। सत्य बोलने से हमेशा असत्य को हम दूर हटा सकते हैं और असत्य भस्म हो जाता है। हमें हर स्थिति में सत्य बोलने और पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। इतना ही नहीं, हमें हमेशा हर स्थिति में सत्य बोलना है और सत्य का पालन करना और इसका अभ्यास करना चाहिए। तो चलिए छात्रों, ये रहा सत्य की महिमा। अब मैं इस पूरक वचन में आए हुए कुछ प्रश्नोत्तर के बारे में अपनी आंखों से देखना।
बिना नमक मिर्च लगाए ये भी तो सत्य है। मेरा नाम छात्रों, सत्य क्या होता है, उसका रूप कैसे होता है? सत्य बहुत भोला भाला और बहुत ही सीधा साधा होता है और इसका रूप जो है, जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही रूप होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जूट का सहारा लेते हैं तो क्या क्या सहना पड़ता है, तो चलिए देखते हैं। जूट का सहारा लेते हैं तो क्या क्या होता है, तो दूसरी प्रश्न लेते हैं तो क्या क्या सहना के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। Thank you.
बारे में कहा गया है। तो झूठ का सहारा लेते हैं तो क्या क्या सहारा पड़ता है? अब एक बार मैं इसे बोलती हूँ, झूठ का सहारा लेते हैं तो ये झूठ साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, कहीं तो कहीं तो मुंह काला करना पड़ता है, अपमान होना पड़ता है। तो चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा छात्रों सत्य की महिमा पूर्ण वाचन पाठ वाला आपका।